गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टू कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज नॉमिनल GDP एंड सेकेंड इज रियल GDP। GDP क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है उसका सम टोटल, दैट इज कॉल्ड GDP। अब इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नॉमिनल एंड रियल। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल से तो हम स्टडी करेंगे। जो करंट ईयर है हमारा, जो भी साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 21-22 चल रहा है, उस करंट ईयर में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू है करंट ईयर में, मार्केट प्राइस, उसका सम टोटल, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल GDP। द फार्मूला इज Q into P। क्यू स्टैंड्स फॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग ईयर इनटू प्राइस, जो भी उनकी कंसर्निंग प्राइसेस है। जैसे अगर हम बात करें वीट की, तो वीट जितना भी प्रोड्यूस हुआ है करंट ईयर में, उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी करंट ईयर की प्राइस से, तो ये वीट की वैल्यू आ जाएगी टोटल प्राइस। इसी तरह अदर गुड्स की, और उसका जो सम टोटल होगा दैट इज नॉमिनल GDP। रियल GDP क्या है? क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की ही होगी, बट प्राइस जो है वो प्रीवियस ईयर, कोई सा भी एक हम बेस ईयर ले लेंगे, बिफोर 5 ईयर, बिफोर 10 ईयर, उस ईयर में उन क्वांटिटीज की जो प्राइस थी, उन प्राइसेस से करंट ईयर की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी दैट इज रियल GDP। फॉर एग्जांपल वीट की अगर हम बात करें, तो आज जैसे 1 क्विंटल जो है वो आपका 2000 रुपीज की प्राइस है, ओके? तो 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ गेहूं का, वीट का, तो 100 × 2000 दैट इज नॉमिनल GDP इन द ईयर 2021। और बेस ईयर अगर हम माने 2011-12, और उस समय गेहूं की प्राइस जो थी वो 1600 थी पर क्विंटल, तो करंट ईयर की क्वांटिटी कितनी बताई मैंने अभी आपको, 100 क्विंटल, 100 क्विंटल इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर 1600 रुपीज पर क्विंटल कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज रियल GDP। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया रियल GDP और नॉमिनल GDP का। नॉमिनल GDP करंट ईयर में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस और उनकी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, और नॉमिनल GDP जो है वो क्वांटिटी करंट ईयर की होती है बट प्राइस जो है वो बेस ईयर की होती है। अब इनमें डिफरेंस का जो कारण है वो एक बस बेसिकली एक ही है, प्राइस का। यहाँ करंट ईयर ईयर प्राइसेस हैं और यहाँ पर बेस ईयर प्राइसेस हैं। हम ये कंपैरेटिव स्टडी करते क्यों हैं, हमने ये नॉमिनल और रियल का कॉन्सेप्ट डेराइव क्यों किया, उसके पीछे रीज़न है कि नॉमिनल GDP जो है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि GDP बड़ी इंडिया की, अमेरिका की, चाइना की, तो वो इंक्रीजमेंट दो वजह से हो सकता है। या तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो नहीं बढ़ रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट प्राइसेस बढ़ रही है, प्राइस हाइक हो रहा है, महंगाई दर जिसको हम बोलते हैं, प्रोडक्शन उतना ही है। पहले पेट्रोल 70 रुपीज़ पर लीटर था, फिर धीरे 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 करता है वही 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 100 रुपये का हो गया, 105 का, 110 का हो गया। तो अब उस सिचुएशन में अगर प्राइस बढ़ रही है तो GDP तो बढ़ेगा, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। वो केवल एक तरह का क्या है, मनी इल्यूजन है, पैसे का भ्रम है। जो फिगर आएगा हमारे पास वो इंक्रीज्ड फिगर आएगा नेशनल इनकम का, बट वो इंक्रीज किसकी वजह से है, क्वांटिटी की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से। बट अगर रियल GDP इंक्रीज हो रहा है
तो रियल जीडीपी में क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगी, बट प्राइस जो है वो प्राइस कांस्टेंट रहेगी, क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर की रहेगी। तो अगर रियल जीडीपी बढ़ता है तो सर्टेनली क्या माना जाएगा कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नॉमिनल जीडीपी इज़ द नेशनल इनकम और टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट एट द करंट प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर। ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी इज़ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर बट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करता चलूँगा। सी नॉमिनल जीडीपी, इट रेफर टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइसेस। ये बेसिक लाइन है डिफरेंस वाली, बेसिक ईयर प्राइसेस को इसमें यूज किया जाता है कमोडिटीज़ की। करंट ईयर प्राइसेस आर द प्राइसेस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। तो फॉर्मूला हो गया जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू क्यू इनटू पी। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड पी इज प्राइसेस प्रीवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। द अबव इक्वेशन शोज दैट द नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन आइदर क्यू और पी। या तो ये जो नॉमिनल जीडीपी दो ही कंडीशन में इंक्रीज होगा, या तो क्वांटिटी बढ़े गुड्स एंड सर्विसेज की या प्राइस बढ़े। इफ इट इज इंक्रीजेस ओइंग टू इंक्रीज इन क्यू, पी रिमेंस कांस्टेंट, तो इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन आउटपुट। पी के कांस्टेंट रहते हुए भी अगर, प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए भी अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। ऑन द अदर हैंड इफ इट इंक्रीजेस ओइंग टू इंक्रीज इन प्राइस, क्यू रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है बट प्राइस बढ़ रही है। अब आपके दिमाग में आएगा प्राइस क्यों बढ़ रही है, तो प्राइस जो है वो शॉर्टेज की वजह से, डिमांड के इंक्रीज और सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से प्राइस हाइक हो रहा है। तो इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, इट मियरली अ मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी। ये जीडीपी का मॉनेटरी इंक्रीज बताएगा केवल, लोगों की परचेजिंग पावर जो है इस कंडीशन में कम हो जाती है। जहां 100 रुपये का नोट बहुत पावर रखता था किसी टाइम में परचेजिंग पावर, आज 100 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन हाइक, एंड इट इज़ अ लिटिल सिग्निफिकेंट। और अगर ऐसे पाया जाता है तो इसका कोई महत्व नहीं है, खुश होने वाली बात नहीं है। इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, इट ओनली कॉजेज मनी इल्यूजन। वेजेस बहुत हैं लोगों की, सैलरीज बहुत हैं, बट गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी उससे भी कहीं ज़्यादा हैं, तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा नहीं है कस्टमर्स की। The illusion of a higher market value of the given output. Now, real GDP. It refers to GDP at constant prices. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated using the base year. वहाँ पर हमने prices कौन सी ली थी? Current year की। यहाँ पर हम quantity तो current year की लेंगे, goods and services की, but prices जो हैं वो base year की लेंगे। Base year is the year of comparison. वो हम 5 साल 10 साल पुराना कोई सा भी एक year मान सकते हैं comparison के point of view से। It is the year when macro variables like production and general price level are believed to be within their normal range. तो इसका formula है Q into P star. Q quantity of goods and services, final goods and services in the current year, and P star is the prices of same goods and services in the base year. Okay. The above equation shows that the real GDP increases only when Q increases. तो real GDP तो केवल एक ही condition में increase होगा, जब quantity बढ़ेगी, क्योंकि cost जो prices हैं वो तो constant है। Simply because P is constant, so that when real GDP increases, there is an increase in the flow of goods and services in the economy. Other things remaining constant, higher the level of real GDP, greater should be the availability of goods and services to the residents of a country. जितना real GDP ज़्यादा होगा ये माना जाएगा कि कंट्री के जो लोग हैं उनको अब कंपैरेटिवली ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का अवेलेबिलिटी हो रही है, इम्प्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड इम्प्रूव। ये टेबल जो दी है ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का है। फर्स्ट टेबल जो है नॉमिनल जीडीपी का है, बेस ईयर हमने 11-12 माना है, करंट ईयर हमारा 17-18 है। गुड्स हमने यहाँ पर केवल 3 ही लिए हैं, वीट क्लॉथ एंड शुगर, वीट क्लॉथ एंड शुगर। क्वांटिटी जो प्रोड्यूस्ड है वो कॉन्स्टेंट है, 20 टन्स 100 मीटर्स 5 टन्स। प्राइस हाइक यहाँ पर होगा नॉमिनल जीडीपी में
उससे देखिए कितना फ़र्क आ जाता है। इन द ईयर 11-12 जो प्राइस तक वीट का वो था 100 पर टन, 5 पर मीटर 500 पर टन, तो पी इंटू क्यू किया 2500 करोड़ रुपीज़, टोटल आया आपका 5000 करोड़। 17-18 में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, प्रोडक्शन नहीं है, बट डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो प्राइस इंक्रीज़ हो गई क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ी। अकॉर्डिंगली 1000 पर टन, 20 पर मीटर 1600 रुपीस पर टन, मल्टीप्लाई किया 20,000, 2,000, 8,000, कैलकुलेशन आया आपका टोटल 30,000। तो फिगर वाइज अगर हम देखें तो 11-12 में तो हमारा जीडीपी केवल 5,000 ही था और 17-18 में हमारा जीडीपी जो है वो 30,000 हो गया। तो अगर आप इसको सुपरफिशियली देखेंगे तो ये एक अच्छा फिगर दिखाई दे रहा है, बट अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिवली देखेंगे तो क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, क्वांटिटी उतनी ही है, प्राइस बढ़ी है, जो कि एक अच्छा संकेत, एक अच्छा सिग्निफिकेंट हिंट नहीं है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी की बात करें, रियल जीडीपी इंक्रीज़ होने का मतलब है जैसे 11-12 and 17-18 सेम ईयर लिए हमने, 17-18 करंट है, 11-12 बेस है, गुड्स वही हैं, वीट क्लॉथ शुगर, वीट क्लॉथ शुगर। क्वांटिटी देखिए 11-12 में 20 टन 100 मीटर 5 टन और यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज होके हो गया आपका 30 टन 200 मीटर एंड 100 टन। प्राइसेस कांस्टेंट है, प्राइसेस बेस ईयर में जितनी थी उतनी ही करंट ईयर में है। तो 11-12 के अंदर हमारा जीडीपी था 5000, सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, और 17-18 करंट ईयर में हमारा जो रियल जीडीपी है वो 9000, ओके 4000 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीजमेंट है। और ये एक्चुअल इंक्रीजमेंट है, यहाँ पर माना जाएगा कि इकोनॉमी वाकई ग्रोथ कर रही है, ठीक है। ये यहाँ पर फोकस जोन में इसी चीज़ को दोबारा से कंक्लूड किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी का फिगर हमको दिया हुआ है तो उसको रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है नॉमिनल रियल जीडीपी इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस हाई, प्राइस इंडेक्स, ये जो महंगाई दर है, इनटू 100। एग्जाम्पल से समझाया कि 11 में जीडीपी जो था वो 100 करोड़ रुपीज़ था, 18 में जीडीपी को कैलकुलेट किया तो 200 करोड़, तो सुनने वाले के लिए लगेगा कि हाँ हमने बहुत तरक्की कर ली। इफ़ प्राइस इंडेक्स, लेकिन जो प्राइस इंडेक्स है, महंगाई दर जो है वो 100 से 400 हो गई विद इन द सेम पीरियड, तो फिर जीडीपी एट करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी कैसे होगा, देखिए 200 × 100/400 जो फॉर्मूला आपको बताया था ना, जीडीपी एट करंट प्राइसेस इनटू प्राइस इंडेक्स इनटू 100, तो ये 100 आपका इनटू 100 वाला है, तो 200 × 400 × 100 कैलकुलेट किया, हमारे पास फिगर आया 50 का। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर हम देखें तो 2011 में हमारा जो नेशनल इनकम का वो 100 करोड़ था, 18 में ये इंक्रीज होकर 200 करोड़ हो गया, लेकिन जब हमने रियल जीडीपी के क्राइटेरिया पर इसको चेक किया तो हम बड़े नहीं हैं, हम नीचे आए हैं, लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हुई है, 50 रह गया है। दिस इज़ बिकॉज द इंडेक्स ऑफ प्राइस इन द ईयर 2018 हैज़ राइजन टू 400, क्योंकि जो प्राइस इंडेक्स है महंगाई दर वो 100 से 400 पे पहुंच गई, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को से हम नॉमिनल जीडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेट का मींस होता है विचलन हिंदी के अंदर। ये एक्चुअल में क्या है, ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे उसका रेशियो है, इट इज नथिंग जस्ट रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। द फॉर्मूला इज जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस इनटू 100, और ये हमको क्या शो करता है, ये हमको महंगाई दर जो जनरल प्राइस लेवल है उसके बारे में बताता है। इट शोज चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। एग्जांपल है रियल जीडीपी 600, नॉमिनल जीडीपी 660 रुपीज, ओके। तो फाइंड द जीडीपी डिफ्लेटर, तो 660 नॉमिनल जीडीपी अपॉन 600 रियल जीडीपी इनटू 100 इक्वल टू 110, मतलब 100 से 10
वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है। दैट मीन्स जो महंगाई है वो एवरेज 10% इंक्रीज़ हो गई है। जो चीज़ पहले 60 रुपीज़ की आती थी वो प्रेजेंट टाइम में एवरेज 66 रुपी की आ रही है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट इंक्रीजमेंट, इट इज़ एन एवरेज इंक्रीजमेंट। ओके, तो महंगाई दर को या जनरल प्राइस लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज़ जस्ट द रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी एंड इट शोज़ द चेंज इन प्राइस लेवल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। लाइव क्लास में मैंने इतना ही बताया था आपको, बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे। गुड बाय, सी यू।